सर आचार संहिता लग गई है, इस बार आपकी पार्टी को लोग छोटी पार्टी बता रहे हैं, आपका क्या कहना है सर? नहीं, हमारी जन अधिकार पार्टी नई पार्टी है, उस हिसाब से छोटी पार्टी है, लेकिन हमारे साथियों ने, हमने मिल के इतना काम किया है कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनसे कम हमारा काम नहीं है। बड़ी पार्टियां एकाध से तो कह सकता हूं कि हमारी पार्टी छोटी हो सकती है, बाकी जो और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनसे कहीं से भी हमारी पार्टी कमजोर नहीं। और पार्टी छोटी और बड़ी का कोई फार्मूला नहीं होता, एक ही फार्मूला है कि जिसके साथ लोग हैं वो बड़ी पार्टी है, जिसके साथ लोग नहीं है वो छोटी पार्टी है। साथ में बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी थी, बीजेपी छोटी थी, समाजवादी पार्टी छोटी थी। 12 में बहुजन समाज पार्टी छोटी छोटी हो गई, समाजवादी पार्टी बड़ी हो गई, बीजेपी छोटी रह गई। 17 में बीजेपी बड़ी हो गई, बीएसपी और समाजवादी दोनों छोटी हो गई। तो जिसके साथ लोग हैं वो बड़ी है, जिसके साथ लोग नहीं है वो छोटी है। हमारे साथ लोग हैं तो हम जानते हैं कि हमारी पार्टी बड़ी है। सर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो सोशल मीडिया हो या जिसमें डिजिटल में मजबूत है, आप लोग सर किस तरह से प्रचार करेंगे, किस तरह से जनता के बीच जाएंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे संसाधन हैं, वो सोशल मीडिया में भी मजबूत है, उनको जो वर्चुअल मीटिंगें करनी है वो भी वो कर लेंगे, गांव गांव में वो टीवी लगा के भी कर सकते हैं, अपने नेताओं के भाषण लोगों को सुनवा सकते हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी भी कर सकती है, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं जैसे हमारी जन अधिकार पार्टी है और जो छोटे संगठन हैं उनको बहुत दिक्कत होगी। आचार संहिता के जो नियम बनाए हैं माननीय चुनाव आयोग ने या निर्वाचन कार्यालय ने, उस हिसाब से बाकी जो छोटे संगठन हैं जिनके पास पैसे की कमी है, जिन पे पैसा नहीं है, उनको चुनाव प्रचार में दिक्कतें होंगी। अब 15 तारीख तक रैलियों में बैन है, कोरोना को देखते हुए बीमारी है, जो कर रहा है निर्वाचन आयोग वो सही कर रहा है, लेकिन फिर चुनाव क्यों हो रहे हैं? अगर लोगों को चुनाव प्रचार करने के लिए समय नहीं है, लोगों से मिलने जाने देने पे मना है, रैलियों पे रोक है, अपनी बात रखने में रोक है, तो फिर ऐसे चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और अगर चुनाव हो रहे हैं तो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जो छोटे संगठन हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनको भी मौका दिया जाए, और नहीं तो चुनाव बढ़िया सरकार अपने खर्च पे कराए। दुनिया के दूसरे देशों में होता है, सरकार का बजट होता है, सरकार का मंच माइक होता है, नेता जाते हैं अपनी बात कह के चले आते हैं, सबका एक टाइम फिक्स होता है, तो सरकार सबको बजट अलाट करे या सरकार खुद खर्च उठाए और सबका प्रचार हो जाए। सर आपकी क्या चुनाव आयोग से एक मांग होगी अपनी पार्टी के लिए या जो इसे भी है? हम चुनाव आयोग से यही मांग करते हैं कि जो सुविधाएं वो बड़ी पार्टियों को दे रहे हैं, ना उतनी सही, उनसे कम सही, लेकिन कुछ सब सुविधाएं छोटी पार्टियों को भी देना चाहिए। छोटी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, अगर वो ज्यादा सीटों में लड़ रही हैं, 10 सीटों से ज्यादा में लड़ रही हैं, कोई 20 में, कोई 30 में, कोई 100, 200, 300 में लड़ रहा है, तो निर्वाचन आयोग को सबको एक सिंबल दे देना चाहिए। हर विधानसभा में उसका अलग अलग सिंबल होगा, पहले से उसे सिंबल पता नहीं है, 14 दिनों में वो सिंबल कहाँ कहाँ पहुंचा पाएगा? आपने इतना बैन रखा है, कोरोना गाइडलाइन है, आचार संहिता है, आचार संहिता ही अपने आप में इतना पर्याप्त है कि लोग नहीं पहुंचा पाते हैं, और उसके बाद कोरोना कोविड की गाइडलाइन, तो जो निशान हमें 14 दिन के लिए 14 दिन में मिलेगा, 12 दिन पहुंचाने का टाइम रहेगा, 12 दिन में जो छोटी पार्टियां हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वो कैसे अपना निशान पहुंचा पाएंगे? तो आपके माध्यम से मेरी यही अपील है मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कि जो पार्टियां 10 से ज्यादा सीटों में चुनाव लड़ रही हैं उनको एक निशान आवंटित कर दें, एक समय दे दें
कि भाई आज आप अपील अप्लाई कर दो या कल अप्लाई कर दो, भारत सरकार निर्वाचन आयोग में करें या स्टेट में करें, और सब जो लड़ना चाहते हैं चुनाव 10 सीटों से ज्यादा में, उनको एक सिंबल सबको अलाट कर देना चाहिए ताकि उनके सिंबल का भी प्रचार प्रसार हो जाए। सर, जैसा देखा गया कि पहले छोटी छोटी पार्टियां हो उनका वजूद बहुत कम रहता था, इस बार वजूद उनका बढ़ गया है और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनको अपनी तरफ खींचने पर लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है, उसको लेकर सर क्या कहना? देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं, पार्टियां जिन साथियों ने पहले बनाई है, हमारी तरह हम लोगों की तरह ही समाजवादी पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी बनी, छोटे से ही शुरुआत हुई, एकाएक नहीं शुरुआत हुई है, तो जिन लोगों ने पार्टी बनाया और काम किया, लोगों के बीच में गए, वो बड़ी पार्टी बने आज, हमारी तरह उन्होंने शुरुआत की। आज भी जो लोग काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, जो संविधान को मानते हैं, जैसे हम अपने आप को कहते हैं कि हम संविधानवादी हैं, जो संविधान में लिखा है हम वही चाहते हैं कि वही हो जाए, और उसी के लिए हमने पार्टी बनाई है कि देश के गरीब को, कमजोर को, पिछड़े को, दलित को, अकलियत को, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, वो हक हिस्सा मिल जाए, एक समान शिक्षा पद्धति हो जाए, फ्री शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा हो जाए, किसानों को खाद बीज सस्ती हो जाए, उसकी फसल की कीमत उसे सही मिल जाए, सिंचाई के लिए उसे बिजली फ्री मिल जाए, और छोटे जो गरीब लोग हैं उनको घरेलू बिजली फ्री मिल जाए, और किसान और जो छोटे व्यापारी हैं उनके जो छोटे छोटे कर्जे हैं वो माफ कर दिए जाएं, और जो जाति जनगणना की बात बहुत दिनों से चल रही है वो जाति जनगणना हो जाए। इन सारी चीजों के साथ हम लोग चुनाव में हैं।